भरत देवताओं के ऋषि हैं। इसी कारण नारद जी को देवऋषि नाम से पुकारा जाता है। उनका जन्म ब्रह्मा जी की गोद में हुआ था। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ के महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को नारायण जयंती मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं, नारद को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उनके चार पुत्र हुए, जो बड़े होने पर तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मा के सभी पुत्रों में से नारद सबसे चंचल स्वभाव के थे। वह किसी की बात नहीं मानते थे। जब ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद से सृष्टि के निर्माण में सहायता करने के लिए विवाह करने की बात कही, तब नारद ने अपने पिता को साफ मना कर दिया, जिस पर क्रोध होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। नारद मुनि को श्राप देते हुए ब्रह्मा ने कहा, तू हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, इसीलिए अब पूरी जिंदगी इधर उधर भटकते ही रहेगा। अन्य कथा अनुसार दक्ष प्रजापति ने भी उन्हें श्राप दिया था, इसका उल्लेख आगे मिलेगा। नारद मुनि हिंदी शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवऋषि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में उन्हें भगवान का मन कहा जाता है। इसी कारण सभी युगों में, सब लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से प्रवेश रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर दिया है तथा समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवर्षिणाम जनार्दहा, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। मद भगवत महापुराण का कथन है, सृष्टि में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सत्व तंत्र का उपदेश दिया, जिसमें सत्कर्मों के द्वारा भव बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। वायु पुराण में देव ऋषि के पद और लक्षण का वर्णन है। देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देवर्षि नाम से जाने जाते हैं। भूत वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों की ज्ञाता सत्यभासी स्वयं का साक्षात्कार करके स्वयं में संबद्ध कठोर तपस्या से लोक विख्यात गर्भ अवस्था में ही अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, ऐसे मंत्र वेत्ता तथा अपने ऐश्वर्य के बल से सब लोकों में पर्वत पर पहुंचाने में सक्षम मंत्रणा हेतु मनुष्यों से घिरे हुए देवता द्विज और रब देवर्षि कहे जाते हैं। नारद जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नारद देवताओं के ऋषि हैं, इसी कारण नारद जी को देवऋषि नाम से पुकारा जाता है। अगर आप नारद जी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको नारद पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। यह एक वैष्णव पुराण है। कहा जाता है कि कठिन तपस्या के बाद नारद जी को ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त हुआ था। नारद जी बहुत ज्ञानी थे, इसी कारण दैत्य हो या देवता सभी वर्गों में उनको बेहद आदर और सत्कार किया जाता था। नारद मुनि के श्राप के कारण ही राम को देवी सीता से वियोग सहना पड़ा था। दक्ष ने भटकते रहने का श्राप दिया। नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण कहते इधर उधर भटकते रहते थे। उनके ऐसे करने के पीछे भी एक कथा है। दरअसल राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनका राजपाट नहीं संभाला, क्योंकि नारद जी ने
सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया था। इसके बाद दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उन्होंने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को भी सभी प्रकार की मोह माया से दूर रहना सिखा दिया। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया। उनके बाद उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया और कहा, वह हमेशा इधर उधर भटकते ही रहेंगे। देवऋषि नारद पहले गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए आए थे। नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में गए थे। भगवान के संकीर्तन में विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें शूद्र होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से नारद जी का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माता दासी का कार्य करके उनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन उनके गांव में कुछ महात्मा आए और चतुर्थमासी बताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहते और उनकी छोटी सी छोटी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भगवत कथा होती थी तो ये तन्मय होकर सुना करते थे। संत लोग इन्हें अपना बचा हुआ भोजन खाने के लिए दे देते थे। साधु सेवा और सत्संग अमूद फल प्रदान करने वाला होता है। उसके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और उनके समस्त पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भगवान नाम का जाप एवं भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से उनकी माता जी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। उस समय उनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब नारद जी वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक देखकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता हो गई। वे बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। हिंदू संस्कृति में देवऋषि नारद का शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विष्णु जी के भक्त और बृहस्पति जी के शिष्य हैं। देवऋषि नारद को तीनों लोकों में भ्रमण के कारण एक लोक कल्याणकारी संदेश वाहक और लोक संचारक के रूप में जाना जाता है। देवऋषि नारद एक अत्यंत विद्वान संगीतज्ञ, मर्मज्ञ, रहस्य को जानने वाले और नारायण के भक्त थे। देवऋषि नारद द्वारा रचित 84 भक्ति सूत्र प्रसिद्ध हैं। स्वामी विवेकानंद सहित अनेक ऋषि मुनियों ने भक्ति सूत्र पर भाष्य लिखे हैं। हिंदू संस्कृति में शुभ कार्य के लिए जैसे विद्या के उपासक गणेश जी का आह्वान करते हैं, वैसे ही संपादकीय कार्य प्रारंभ करते समय देवऋषि नारद का आह्वान करना स्वाभाविक ही है। भारत का प्रथम हिंदू साहित्यिक अखबार उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। इस दिन संपादक ने आनंद व्यक्त किया कि देवऋषि नारद की जयंती वैसाख कृष्ण द्वितीया के शुभ अवसर पर यह पत्रिका प्रकाशित होने जा रही है। देवऋषि नारद अन्य ऋषि मुनियों से इस प्रकार से भिन्न है कि उनका कोई भी अपना आश्रम नहीं था। वे निरंतर प्रवास पर रहते तथा
उनके द्वारा प्रेरित हर घटना का परिणाम लोकहित से निकला। वर्तमान संदर्भ में यदि नारद जी को आज तक के विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोक संचार कहा जाए तो कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। गंगा आदि पतित पावन नदियों की महिमा तथा पवित्र तीर्थों का महात्म्य, योग, वर्णाश्रम, व्यवस्था, श्राद्ध आदि छह वेदांगों का वर्णन व सभी 18 पुराणों का प्रामाणिक परिचय नारद पुराण की विशेषताएं हैं। व्यवहारिक विषयों का नारद स्मृति में रूपांतरण किया गया है। देवऋषि नारद द्वारा रचित भक्ति सूत्र अनुसार जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, कार्य आदि के कारण भेद नहीं होना चाहिए। देवऋषि नारद एक ऐसे कुशल माध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले लोक कल्याण, संचार और संवेद वाहक थे जो आज के समय में पत्रकारिता और मीडिया में भी प्रासंगिक हैं। कहीं भी जब नारद अचानक प्रकट हो जाते थे तो होस्ट की क्या अपेक्षा होती थी? हर कोई देवता, मानव या दानव, उनसे कोई व्यापारिक या कूटनीतिक बर्ताव की उम्मीद नहीं करते थे। नारद तो समाचार ही लाते थे। संचारों के संवाहक के रूप में नारद की सर्वाधिक विशेषता है उनका समाज हितकारी है। नारद के किसी भी संवाद ने देश या समाज का अहित नहीं किया। कुछ संवाद देवऋषि नारद के ऐसे आते जरूर हैं जिनमें लगता है कि नारद चुगली कर रहे हैं, कलह पैदा कर रहे हैं, परंतु जब उस संवाद का दीर्घकालीन परिणाम देखते हैं तो वह किसी न किसी तरह सकारात्मक परिवर्तन ही लाते हैं। इस प्रकार देवऋषि नारद एक घुमक्कड़ किंतु सही और सक्रिय समर्थक संवाददाता की भूमिका निभाते हैं। और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो यह कि देवर्षि ही नहीं दिव्य पत्रकार भी हैं। देवऋषि नारद दुनिया के प्रथम पत्रकार या पहले संवाददाता हैं, क्योंकि देवऋषि नारद ने एक लोक से उस लोक में परिक्रमा करते हुए संवादों के आदान प्रदान द्वारा पत्रकारिता का प्रारंभ किया। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि नारद आदर्श व्यक्तित्व है। श्री कृष्ण ने उग्रसेन से कहा कि नारद की विशेषताएं अनुकरणीय हैं। रामायण तभी लिखी गई जब नारद राम कथा लिखने के लिए एक परिपूर्ण व्यक्ति की खोज में निकले थे और वाल्मीकि को नदी के किनारे उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र चित्रण कर रामायण लिखने की प्रेरणा दी। नारद ने वाल्मीकि को कथा पर ध्यान केंद्रित कर एकाग्र होने का वातावरण उपलब्ध कराया। महाभारत में भी धर्म का सारा मार्म कहीं ना कहीं नारद की पद्धति को उद्घटित करता है। नारद महाराजा युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित हुए थे और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पुरुषार्थ, चतुष्टय धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया था। देवऋषि नारद ने विवाद और संघर्ष को भी लोक कल्याण के रूप में उपयोग किया है। देवऋषि नारद के हर परामर्श में और प्रत्येक वक्तव्य में कहीं ना कहीं लोकहित झलकता है। देवऋषि नारद के हर वाक्य, हर वार्ता और हर घटनाक्रम का विश्लेषण करने से यह बार बार सिद्ध होता है कि वे एक अति निपुण व प्रभावी संवेद वाहक थे। देवऋषि नारद द्वारा रचित भक्ति सूत्र में 84 सूत्र प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है कि इन सूत्रों में भक्ति मार्ग का दर्शन दिया गया है और भक्त ईश्वर को कैसे प्राप्त करे यह साधना बताई गई है। देवऋषि नारद पर नारद पुराण, नारद स्मृति, नारद और भक्ति सूत्र ये हमारे शास्त्रों के बहुत महान ग्रंथ हैं। नारदीय परंपरा पत्रकारिता के उन्हीं आदर्श में हैं जिन्हें नारद ने युगों पहले जन कल्याण के लिए स्थापित किया था। नारद सब लोगों की खबर रखते थे और उन्हें जन जन तक पहुंचाते थे, लेकिन उनका खबर प्राप्त करने और
उसे संप्रेषित करने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। लोक मंगल की भावना सभी युगों में, सभी लोगों में, समस्त विधाओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से प्रवेश रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं, वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव कर दिया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। देवऋषि नारद ने बीड़ा नामक वाद्यंत्र का आविष्कार किया। संगीत शास्त्र के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। नारद जी के अनुसार संदेश वक्ता, श्रोता एवं कथन है, यही सूत्र पत्रकारिता का सार है। देवऋषि नारद ने सती द्वारा दक्ष के यज्ञ कुंड में शरीर त्यागने की सूचना सर्वप्रथम भगवान शिव को दी। देवऋषि नारद की पत्रकारिता अत्यधिक अध्यात्म पर आधारित थी। उन्होंने स्वार्थ लोभ एवं माया के स्थान पर हमेशा परमार्थ को श्रेष्ठ माना। इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद हमेशा धर्म के प्रचार और नागरिकों के कल्याण के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। महाभारत के आदि पर्व में नारद के पूर्ण चरित्र को वेदव्यास ने एक श्लोक में व्यक्त किया है। अर्थ निर्वाचने नित्यम संशिचिदा समस्या प्रकृत्या धर्मा कुशलो नाना धर्म विशारदहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नारद एक महान विचारक और नारद स्मृति, नारद भक्ति स्रोत आदि की रचना करने वाले ग्रंथकार हैं। नारद तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले, संवाद करने वाले और सारे विवादों को मिटाने वाले सन्यासी हैं। हम सबको नारद के इस विराट स्वरूप को ही स्वीकार करना चाहिए।